हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एबीबी इंडिया एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा शेयर है, मैं कहूँगा ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी शेयर। इंडस्ट्री के पूरी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना ही इसका काम है। और ऑटोमेशन ऑटोमेशन भैया इंडस्ट्री में आने वाले टाइम पे अभी भी राज कर रही है और आने वाले टाइम पे और राज करेगी। तो चलिए, आज एबीबी इंडिया का रिजल्ट आया है, एक नज़र उसके रिजल्ट पे देखते हैं, एक नज़र टेक्निकल पे देखते हैं, फिर फंडामेंटल पे देखते हैं इस छोटे सी वीडियो में। और स्टार्ट करता हूँ मैं आपको सीधे जाके फंडामेंटल से। 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और 1,382 का प्राइस है। बुक वैल्यू 189 का जरूर है, पी रेशियो 55 का। डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 17 और 13% के आसपास है। अब स्टॉक की बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट की जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आया, रिजल्ट ऑलमोस्ट 7 बजे के आसपास अपलोड हुआ है। क्योंकि ये जो रिजल्ट कब आया वाला फैक्टर है ना, ये किस लिए होता है कि अगर अच्छा रिजल्ट है या बुरा रिजल्ट है तो उसका इम्पैक्ट उसके प्राइस पे, शेयर के प्राइस पे कब पड़ेगा, तो इसलिए देखना जरूरी होता है कि रिजल्ट कब आया। तो 7 बजे के आसपास ही रिजल्ट अपलोड हुआ है बीएससी की वेबसाइट पे। और रिजल्ट कैसा रहा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ स्टैंड अलोन रिजल्ट जो एबीबी इंडिया का देख रहा हूँ मैं, तो मुझे जो देखने को मिल रहा है वो देखिए इसका रिजल्ट। अगर मैं देखूँ टोटल इनकम से स्टार्ट करता हूँ तो ये फिगर सारी करोड़ में है। तो 1746 करोड़ की टोटल इनकम इस क्वार्टर में दिखाई गई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1870 करोड़ के आसपास थी। यानी कि टोटल इनकम में क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं जून से कंपेयर करूँ तो 1684 करोड़ की जून में टोटल इनकम थी, तो उसके बेसिस पे ये इनकम क्या है, बढ़ी है। अब यही टोटल इनकम पे हमको नहीं रहना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा प्रॉफिट की तरफ। और अगर हम प्रॉफिट की तरफ जाते हैं तो प्रॉफिट कितना शो किया है वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। और आप देखिए प्रॉफिट कितना शो किया इस क्वार्टर में, 130 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 116 करोड़ था एंड लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 102 करोड़ था। तो स्टैंड अलोन बेसिस पे मुझे अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है यहाँ पे प्रॉफिट पे दोनों तरीके से। तो आप अगर देखें इस शेयर की डिटेल, आपने देखी एबीबी इंडिया, ये शेयर है ऑटोमेशन की दुनिया का बढ़िया शेयर माना जाता है, इंडस्ट्री ऑटोमेशन की दुनिया का। और बिल्कुल मैं कहूँगा निचले स्तर पर आ रखा है ये शेयर, निचले स्तर पर मतलब आप टेक्निकल से उसको बता सकते हो। ये वीकली चार्ट है इसका, देखिए वीकली चार्ट अगर आप देखें, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट ग्रो करने वाली कंपनी है, धीरे धीरे करके ग्रोथ पैटर्न पर चल रही है। आप देखिए 2013 अगस्त के टाइम पर ये 400 का प्राइस था, 400 450 का प्राइस था, और धीरे धीरे ग्रो करता हुआ जिसने हाई बनाया वो 1600 के आसपास का बनाया है। इससे पहले जो हाई बनाया था वो 1700 के आसपास का था। एक प्राइस चैनल के आसपास मूव कर रही है, जिसका जो लोअर एंड है उस प्राइस चैनल का, वो कहीं पे लाइक करता है ऑलमोस्ट 1300 से लेके 1400 के बीच में लाइक कर रहा है, और अभी ये उसी के बीच में है। तो मैं कहूँगा पिछले 4-5 हफ्तों से लगातार गिरावट आ रही थी, और अगर इसमें थोड़ा और करेक्शन आता आने वाले टाइम पे तो आप खुद देखिए ये 1300 के लेवल पे आपको मिलेगा, तो बहुत बढ़िया मतलब लोअर एंड पे 1300-1320 के आसपास ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है इस शेयर में। और फिलहाल आप देखिए पिछले 4 वीक लगातार गिरावट का सीजन चल रहा है इसमें, और अगर मैं इसको डेली चार्ट पे दिखाऊं तो क्या बता रहे हैं। तो डेली चार्ट के हिसाब से मुझे एक सपोर्ट रेंज जो देखने को मिल रही है ये 1350 के आसपास की, मई के टाइम पे इस टाइम फ्रेम पे ये शेयर आया था। और अगर आप इसको थोड़ा सा और नीचे देखें तो ये ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 1298-1300 के आसपास के एक बढ़िया लेवल जो चल रहा है, वो इसमें एक एंट्री का मौका हो सकता है 1310-1320 की रेंज पे। तो ये आपने देखा एबीबी इंडिया का रिजल्ट देखा, उसकी डिटेल देखी, टेक्निकल फंडामेंटल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।